हेलो स्टूडेंट, इट्स मी हरीश कुमार और यहाँ पे हम लेक्चर सीरीज़ जो वेव की चल रही है वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, प्रीवियस जो लेक्चर था आपका स्टैंडिंग वेव का था और उसमें हमने स्टैंडिंग वेव के दो पार्ट किए ना। पहला स्टैंडिंग वेव की एक्सप्रेशन या एक्सप्लेनेशन जो थी मैथमेटिकल है ना, जो उनकी ट्रीटमेंट थी। जो दूसरा पोर्शन था ना, वहाँ पे आप लोग गए थे स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग। अच्छा, आज हम जो बात करेंगे ना, दैट वुड बी स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप। अच्छा, ऑर्गन पाइप क्या होते हैं? इस तरह से म्यूजिकल बैंड जो होते हैं ना, इस तरह से पियानो, कंसीडरिंग लाइक दैट। अच्छा, तो ऑर्गन पाइप भी इसी तरह से हैं कि व्हेन एयर इज प्रेशराइज्ड इनसाइड या इफ एयर इज पोर्ड विथ हाई प्रेशर, तो उसमें आप कह सकते हैं कि साउंड वेव जनरेट होती हैं, क्योंकि स्टैंडिंग वेव अंदरूनी तौर पे जनरेट होती हैं। इन टर्न स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस ट्रेवलिंग वेव, तो इस तरह से आप आवाज़ पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑर्गन पाइप के हिसाब से हमने स्टैंडिंग वेव की बात करनी है। तकरीबन ऐसे समझ लें, ये स्ट्रिंग की तरह थोड़ा बहुत मिलता जुलता है ना। तो आज की जो हम बात करेंगे, दैट वुड बी स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप। अच्छा, ऑर्गन पाइप के लिए हम काफ़ी सारी बातें करेंगे ना। पहली बात ये कि ऑर्गन पाइप, आपने एक मिसाल के तौर पे ये पाइप है ना, ये लिया है। अच्छा, जैसे हम इसमें एयर विथ हाई प्रेशर देंगे ना, तो इसमें जनरेट होती हैं स्टैंडिंग वेव इनसाइड, इन टर्न दे प्रोड्यूस द ट्रेवलिंग वेव। अच्छा, हम ये बात करेंगे सबसे पहले कि ऑर्गन पाइप जो है वो दोनों साइड पे ओपन है, या हम ये बात करेंगे कि ऑर्गन पाइप जो है वो एक साइड पे ओपन है। ठीक है, अच्छा, व्हेन पाइप इज ओपन एट वन एंड तो क्या होगा, या व्हेन पाइप इज ओपन एट बोथ एंड तो क्या होगा, इस तरह से। अच्छा, तो इन सारी कहानी का हमने डिस्कशन करना है। ठीक है, क्लोज एट बोथ एंड की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि क्लोज एट बोथ एंड होगा तो आप एयर कैसे फ्लो कराएंगे फिर। तो हम बात करेंगे ओपन एट बोथ एंड, या फिर हम बात करेंगे व्हेन इट इज ओपन एट वन एंड। स्टैंडिंग वेव में हम आज का जो लेक्चर है ना, उसमें ये बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि इफ पाइप, ऑर्गन पाइप श्योरली इज ओपन एट वन एंड, अगर एक साइड पे ओपन है ना, तो क्या होगा, हम इसकी यहाँ पे बात करना चाहते हैं। अच्छा, मिसाल की तौर पे आप ये समझ लें कि ये है एक ऑर्गन पाइप जो कि एक साइड पे ओपन है ना, यहाँ से। अच्छा, तो इसमें जो वेव की पॉसिबिलिटी क्या है या किस तरह से है, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसको कंपेयर अगर करना चाहे ना, तो आप स्ट्रिंग से कंपेयर कर सकते हो, कंपेरिजन। ठीक है, मिसाल की तौर पे एक स्ट्रिंग है जो आप सिंपली कह सकते हैं कि एक साइड पे आपने स्ट्रिंग को अटैच किया है, वेयर इट्स अनदर एंड इज ओपन, वन एंड इज क्लोज्ड, अनदर इज ओपन, यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नहीं है। चलो ठीक है, हम इसको यहाँ पे वाइब्रेशन कराना चाहते हैं ना, हम इसको शेक करते हैं फॉर एग्जांपल। अच्छा, मैं स्ट्रिंग को कुछ इस तरह से शेक करता हूँ कि कुछ इस तरह से ऐसे कि जो पल्सेस में जनरेट होगी ना, वो इस तरह से हो कि पॉसिबिलिटी ऑफ पल्सेस इन प्रोड्यूस्ड इन दिस स्ट्रिंग वो इस तरह से है कि ये भी मुमकिन है कि अगर मैंने शेक कुछ इस तरह से किया कि वो इस तरह से वाइब्रेट करे, एन मुमकिन है, ये कहानी इस तरह से हो सकती है, लाइक दैट। अच्छा, ना सिर्फ ये, आप यूं भी कह सकते हैं, लाजमी नहीं है कि ऐसा ही हो, ऐसा भी मुमकिन है कि आपने जैसे इसको शेक किया ना, तो एन मुमकिन है कि जो वेव जनरेट हुई या इसमें जो स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है ना, वो इस तरह से हो, पॉसिबिलिटी है इस तरह से हो, फिर ये वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है आउट ऑफ फेज और यूं इस तरह से सुपरपोज करेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई ना। अच्छा, पॉसिबिलिटी ये थी कि आप शेक करें तो ये वेव पल्स यहाँ पे गई, रिफ्लेक्ट होके वापस आई, तो पैटर्न आपको कुछ इस तरह से ऐसे मिला, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये, आपने जैसे शेक किया तो ये वेव यहाँ पे आई, रिफ्लेक्ट करके वापस आई, पॉसिबिलिटी दूसरी ये बनी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ज़रा इसको भी हम चेक करना चाहते हैं, ज़रा देखें भाई, देखें। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो वेव है ना, वो इस तरह से डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह से शेक किया है ना। पॉसिबिलिटी तीसरी ये हो सकती है कि जो वेव जनरेट हो सकती हैं इस पे, स्ट्रिंग पे, वो ऐसे भी मुमकिन है।
इसका मतलब बताया गया ये कि इफ स्ट्रिंग इज ओपन एट वन एंड, अगर आप एक साइड पे ओपन रखेंगे ना तो लाजमी तौर पे जो एक लूप आपका बनता है वो आपका इस तरह से ओपन लाइक स्ट्रक्चर होगा ना, हाफ लूप होगा जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा, क्योंकि दूसरा हिस्सा इसका बंद नहीं है ना, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें बताया गया था स्ट्रिंग वॉज क्लोज्ड एट बोथ एंड ना, तो जो मिनिमम पॉसिबिलिटी थी मतलब जो फंडामेंटल आपका था बेसिक जो हार्मोनिक था वो आपका आप सिंपली कह सकते हैं कि सिंगल हार्मोनिक था या सिंगल एक टोन था या वाला कंप्लीट एक लूप था। अब दूसरा हिस्सा इसका अटैच नहीं है ना, अगर दूसरा हिस्सा अटैच नहीं है तो लूप कंप्लीट होगा ही नहीं। तो बुनियादी जो है ना इसमें वो ये है कि देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ हाफ लूप, हाफ लूप आप कह सकते हैं। अच्छा, नहीं मल्टीपल की बात करें, ज्यादा हार्मोनिक की बात करें तो पॉसिबिलिटी यूं बन सकती है कि देयर कैन बी वन एंड हाफ, या फिर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टू एंड हाफ, या देयर वुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ थ्री एंड हाफ एंड सो ऑन। तो जो बाहर वाला लूप है ना लाजमी तौर पर वो ओपन होगा, मतलब हाफ बनेगा इस तरह से। ये कहानी जो मैं स्ट्रिंग में बता रहा हूँ इसी को कंपेयर हम आज करना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गन पाइप। तो ऑर्गन पाइप में जो वेव जनरेट होंगी या वेव की पॉसिबिलिटी है वो ये है कि देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ हाफ हार्मोनिक या हाफ लूप, इस तरह से बन सकता है, इस तरह से आप कह सकते हैं देयर इज पॉसिबिलिटी के ये वेव इस तरह से बने, पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, लाइक दैट। अच्छा, नहीं तो दूसरा ये है कि इफ ओपन पाइप इज एट वन एंड ना, या एक साइड आपने ओपन रखी है तो दूसरी जो पॉसिबिलिटी यहां पे बन सकती है वो ये भी हो सकती है, एग्जैक्टली लाइक दैट, ये भी बन सकती है। क्यों? मतलब यू कैन हैव अनदर पॉसिबिलिटी इन दिस वे, ये भी बना सकते हैं आप। या जो तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो आप यूं भी कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ लूप आपके होंगे उसमें लाजमी तौर पे जो बाहर वाला होगा वो इस तरह से ओपन होगा, बाकी जो लूप होंगे वो इस तरह से आप बना सकते हैं या इस तरह से हो सकते हैं। ज़रा कंपेयर करें इसको कि ऑर्गन पाइप एक पाइप था, उसके अंदर जो वेव बनती है बाय मीन्स ऑफ प्रेशर, जो आप एयर प्रेशर देते हैं ना उस तरह से, उसका बिहेवियर एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसा कि किसी स्ट्रिंग जो कि एक साइड पे ओपन होता है ना उसमें है। तो यूं हम कह सकते हैं स्ट्रिंग वॉज क्लोज एट बोथ एंड इन द प्रीवियस लेक्चर, बट हेयर इन दिस केस वी कैन से जनरली कि आपका जो स्ट्रिंग है वो एक साइड पे ओपन है या ऑर्गन जो पाइप है वो एक साइड पे ओपन है। तो म्यूजिकल बैंड के हिसाब से हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं। मिनिमम हार्मोनिक कितने हैं, यही है ना, इससे कम हो ही नहीं सकता ना, उसी लिए इसका नाम हम रखेंगे फंडामेंटल। ये क्या कहलाता है, पहला वाला जो है ना इसी को, ये वाला ऑर्गन पाइप में ये आप इसको कह सकते हैं कि ये आप फंडामेंटल हार्मोनिक ले सकते हैं, इसका नाम हम रखेंगे क्या, फंडामेंटल हार्मोनिक। मतलब ऑर्गन पाइप व्हेन ओपन एट वन एंड तो फंडामेंटल हार्मोनिक ऐसे बन सकता है। अच्छा, इधर देखें ये क्या है, यहां पे कितने हैं, दो है ना, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि दो अगर आपके लूप बने इस तरह से तो हेयर यू कैन हैव, वी कैन से जैसा कि ये फर्स्ट था या फंडामेंटल था तो उसके लिए हम नाम क्या रख सकते हैं, दैट कैन बी सेकंड हार्मोनिक। ये आपका सेकंड हार्मोनिक है, एक दो तीन टोटल हार्मोनिक कितने बन सकते हैं, यहाँ पे तीन है ना, तो यहाँ पे इसके लिए हम बात कर सकते हैं कितने, थर्ड हार्मोनिक एंड सो ऑन। तो भाई बात सुने, स्ट्रिंग या ऑर्गन पाइप अगर एक साइड पे ओपन है तो फंडामेंटल जो है ना वो हाफ लूप है। अच्छा, सेकंड में वन एंड हाफ, थर्ड में टू एंड हाफ एंड सो ऑन। तो यूँ स्टैंडिंग वेव होगी ना ये, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिवली एक दूसरे से इंटरफेयर हो रहे हैं ना, क्योंकि स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन क्या है, डिस्ट्रक्शन हो जाए मतलब रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड बिकम जीरो, तो यूं डेफिनेटली दे विल कैंसिल ईच अदर, इन टर्न दे प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। तो यूं आप सिंपली कह सकते हैं कि स्टैंडिंग वेव किसी भी ऑर्गन पाइप में या इफ स्ट्रिंग इज ओपन एट वन एंड तो इस तरह से होगा। इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और क्या भाई, ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप इज द बेस्ट एग्जाम्पल हियर। अच्छा, दूसरा कोई एग्जाम्पल ले आए, बड़ी सिंपल सी बात है, जरा इधर देखें, इधर देखें भाई,
ये है स्टिकिक, हम जो फ्लैग है ना, इस फ्लैग की बात करना चाहते हैं। अच्छा, जो फ्लैग है उस फ्लैग में जो वेव पैदा होती हैं, अगर इसको भी ज़रा देखो कि फ्लैग आप जब इस तरह से ऑब्जर्व करते हो तो फ्लैग में भी वेव्स इस तरह से बनती हैं स्टैंडिंग वेव, ठीक है। डू रिमेंबर, फ्लैग में जो वेव बनती है ना, उसमें से जो आउटर पोर्शन होता है, जो लूप एट द ओपन होता है, क्योंकि फ्लैग में एक साइड आपने क्लोज्ड है, दूसरी ओपन है, तो जो ओपन है ना वहां पे आपका हाफ लूप बनेगा, बाकी इसके अंदर जो लूप होंगे ना, दे ऑल आर से टू बी द क्लोज्ड वन। तो यूं आप कह सकते हैं कि ये एक और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप इसको भी ले सकते हैं इस तरह से स्ट्रिंग को, आप यूं ऑर्गन पाइप को भी ले सकते हैं। ओके, सवाल ये है कि इफ स्ट्रिंग इज इन दिस वे और ऑर्गन पाइप इज इन दिस वे, तो उसकी वेवलेंथ की कैलकुलेशन क्या होगी या उसके फ्रीक्वेंसी का क्या सीन है, आज हमने इसके बारे में बातें करनी है, ठीक है। अच्छा, जो प्रीवियस लेक्चर था ना, इधर देखें थोड़ा सा ओवरव्यू। एक में सिंपल प्रीवियस लेक्चर का रेफरेंस दो, जरा देखें कि स्ट्रिंग में जो एक कंप्लीट लूप होता था, इफ यू रिमेंबर दैट वन, तो मैंने वहां पर आपको कहा था कि एक कंप्लीट लूप किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ वेव होता है, क्योंकि एक कंप्लीट वेव में आप कह सकते हैं दो होते हैं ना, कंप्लीट वेव में दो लूप होते हैं, तो एक लूप का मतलब क्या होता है, लैम्डा बाय टू। अच्छा, भला अगर मैं यहां से लूं, मतलब इफ वी गो थ्रू हाफ ऑफ लूप, अगर मैं ये हाफ पोर्शन लूं, भला ये हाफ पोर्शन कितना कहलाएगा, लैम्डा बाय फोर। हाफ पोर्शन का मतलब क्या, एंटी नोड और नोड के बीच में सेपरेशन कितनी है, लैम्डा बाय फोर। अच्छा, यही कहानी हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है ना। इधर देखें भाई, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना, जो भी है, ये सारे की सारी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ये किसके बराबर है, लूप के हाफ के बराबर है। लूप के हाफ का मतलब किसके बराबर है, लैम्डा अपॉन फोर के बराबर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप इसको, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो लैम्डा वुड बी इक्वल टू 4L। आप कह सकते हैं फर्स्ट हार्मोनिक के वेवलेंथ का जो जनरल फार्मूला है ना, वो ये है, दिस इज द वेवलेंथ, राइट। अच्छा, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल, क्योंकि ये फंडामेंटल हार्मोनिक की वेवलेंथ है ना, तो यहां से आप फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं कैसे। अच्छा, फॉर फ्रीक्वेंसी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी के लिए जाऊं, बड़ी सादी सी बात है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट है ना, तो एफ वन लगा दें, लैम्डा वन, वी सेम है क्योंकि मीडियम एक है ना, इन द सेम मीडियम वेव की कौन सी प्रॉपर्टी रिमेन सेम होती है, वेलोसिटी। अच्छा, तो यूं वेलोसिटी आपका वही है, लैम्डा की वैल्यू पुट करें जो कि किसके बराबर है, 4L। इसका मतलब यूं बना कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसी भी ओपन एट वन एंड ऑर्गन पाइप में जो ना, वो इस तरह से बनेगी, ठीक है। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसका नाम हम क्या रखेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला ये है, वेन एवर पाइप इज ओपन एट वन एंड, आप यूं कह सकते हैं। अच्छा, जरा इधर देखें, इसको देखें, सेकेंड हार्मोनिक के लिए ये कहानी क्या है भाई। देखिए, सेकेंड हार्मोनिक में जो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो किसके बराबर है, सेकेंड हार्मोनिक में जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो किसके बराबर है, एक कंप्लीट लूप मतलब लैम्डा अपॉन टू, और एक हाफ लूप मतलब लैम्डा अपॉन फोर, ठीक है। तो इसका मतलब ये बना लैम्डा अपॉन टू प्लस लैम्डा अपॉन फोर, आपके वन एंड हाफ लूप है ना, वन एंड हाफ लूप ना। अच्छा, लैम्डा अपॉन टू प्लस लैम्डा अपॉन फोर आप ऐड करें, इसकी आप एलसीएम निकालें, जो जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगी ना, दैट वुड बी 3 लैम्डा अपॉन 4। मतलब सेकेंड हार्मोनिक में जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, आप कह सकते हैं दैट वुड बी 3 लैम्डा अपॉन 4। 3 लैम्डा अपॉन 4 कैसे आया, हाफ लूप ये और प्लस वन, वन एंड हाफ लूप, ठीक है, तो ये आया। अच्छा, यहाँ से आप वेवलेंथ मालूम करना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ से वेवलेंथ मैं कैसे लिखूंगा, ज़रा इधर देखें, इसकी वेवलेंथ की कैलकुलेशन हम यहाँ से करते हैं, ज़रा इधर देखें, लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4L आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 आप यहाँ पे ले आएँ, तो ये आप कह सकते हैं वेवलेंथ फॉर सेकेंड हार्मोनिक का जनरल फार्मूला ये है।
जब आपको वेवलेंथ मिल जाए ना तो फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं ना, फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक फार्मूला गया वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। अच्छा वेलोसिटी वही भी, अच्छा लैम्डा कितनी है 4L ओवर 3, 3 को ऊपर ले जाएं तो ये बनेगा क्या 3 इंटू वी अपॉन 4L। ये फार्मूला भाई किसका है, सेकेंड हार्मोनिक के फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है, सेकेंड हार्मोनिक के फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला आप यूं कह सकते हैं। अच्छा क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसी फार्मूला को क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F2 इज इक्वल टू 3 आपका वही 3 है। अच्छा V अपॉन 4L क्या है, फंडामेंटल है ना, V अपॉन 4L क्या है फंडामेंटल व्हेन पाइप इज ओपन एट वन एंड, तो यूं आप कह सकते हैं 3 इंटू एफ वन, इसका मतलब ये कि 3 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये है। चलो आगे लेते हैं, थर्ड हार्मोनिक के लिए क्या सीन है, उसके बाद हम आएंगे जनरल फार्मूला में। थर्ड हार्मोनिक में क्या सीन है जरा देखें भाई, थर्ड हार्मोनिक में जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो किसके बराबर हो गई, एक कंप्लीट लूप, ये दूसरा भी कंप्लीट लूप और एक हाफ लूप, ढाई लूप है ना तकरीबन, ऐसे समझ लें, लैम्डा अपॉन टू प्लस लैम्डा अपॉन टू प्लस लैम्डा अपॉन फोर, ये आपस में आप ऐड करें जो प्लस करके एलसीएम निकालें, आप सिंपली फाइव इसको करें दैट वुड बी 5 लैम्डा अपॉन फोर, इसका मतलब जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो कितने बराबर हो गई, 5 लैम्डा अपॉन फोर के बराबर हो गई। अच्छा अब यहाँ से वेवलेंथ निकाल सकते हैं आप, यहाँ से वेवलेंथ निकालें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो लैम्डा बराबर किसके हो जाएगा, लैम्डा वुड बी इक्वल टू क्रॉस करें दैट वुड बी 4L वही आपका अपॉन 5 वही है। ये वेवलेंथ है किसकी, थर्ड हार्मोनिक के वेवलेंथ का जनरल फार्मूला ये है थर्ड हार्मोनिक। अच्छा जब आपको वेवलेंथ मिल जाए ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं भाई, इसके फ्रीक्वेंसी की बात कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी ना, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक वुड बी वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। अच्छा वेलोसिटी आपका वही है, लैम्डा की वैल्यू क्या 4L अपॉन 5 ये, इसको ज़रा सॉल्व करें, 5 आएगा न्यूमरेटर में V अपॉन 4L, ये फ्रीक्वेंसी थर्ड हार्मोनिक का जनरल फार्मूला है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड फर्दर इन दिस वे, F3 आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 इंटू वी अपॉन 4L, तो यूं आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला। अब देखें ये तब की बात है वेन एवर पाइप इज ओपन एट वन एंड, ऑर्गन पाइप आपका एक साइड पे ओपन है तो ठीक है भाई, 4 होंगे तो 5 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, जितने भी होंगे, कैसे हम इसको लिखें ना, लेट्स हैव जनरल एक्सप्रेशन। तो देखें अगर मैं जनरली लिखूं, जनरली फॉर एन हार्मोनिक, फॉर एग्जांपल एन हार्मोनिक की हम बात करें, एन हार्मोनिक का मतलब है कि वी आर डीलिंग विथ 50, 60, 70 या जो भी हम उसकी कलेक्टिवली बात करना चाहते हैं, तो एन हार्मोनिक के लिए हम किस तरह से लिखेंगे। अब आप रूटीन देखें जरा, इधर देखें जो रूटीन है ना उस रूटीन के मुताबिक हम वेवलेंथ पाएंगे। देखें इधर भाई, जब फर्स्ट हार्मोनिक था तो फार्मूला को जरा देखें, 4L अपॉन 1 है, 4L है खाली, मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 4L अपॉन 1, बात एक ही है ना, तो हम लिखेंगे 4L अपॉन 1 फिर पहले के लिए ना। अच्छा फिर इधर देखें, अगर आप दो हार्मोनिक की बात कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या है सेकेंड हार्मोनिक में क्या है 4L अपॉन 3, 4L अपॉन 3 है। अच्छा अगर आप थर्ड हार्मोनिक की बात करें तो क्या है 4L अपॉन 5, जरा कंपैरिजन करें सीक्वेंस कैसे बन रही है, 4L है यहाँ पे भी 4L है इधर भी 4L है, पर यहाँ पे 1 है फिर 3 है फिर 5 है फिर 7 होगा 9 होगा, एन ऑड नंबर ना, मतलब आपका नंबर क्या आ रहा है ऑड नंबर आ रहा है ना, उसी लिए हम सिंपली कह सकते हैं कि वेवलेंथ में 4L आपका वही है पर डिवाइडेड बाय सिंपल इंटीजर नहीं, आप सिंपली कह सकते हैं ऑड नंबर। तो यूं एन हार्मोनिक के लिए, अब इधर देखें एन हार्मोनिक के वेवलेंथ में न्यूमरेटर में आपका 4L होगा डिवाइडेड बाय जनरल फार्मूला ऑफ ऑड सीरीज। अच्छा ऑड सीरीज का जनरल फार्मूला था 2N-1, तो आप यहां से ऐसे लिख सकते हैं।
अब जरा चेक करना चाहें, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर ए कार्बोनिक की बात करें, एनर्जी इक्वल टू वन पुट करो, टू इंटू वन माइनस वन, मतलब सिंपली वन बजेगा। दो की बात करो, टू इंटू टू माइनस वन, फोर माइनस वन, थ्री बनेगा। अच्छा, टू थ्री जार सिक्स माइनस वन, फाइव। देखें, ये आपका जनरल या एनस्ट्रम फॉर ऑड सीरीज है ना, तो यूं आप वेवलेंथ फॉर एन नंबर ऑफ हार्मोनिक आप यूं लिख सकते हैं। चले, ये भी हो गया। अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। इधर देखें, फ्रीक्वेंसी की सीरीज हम किस तरह से बनाएं। देखें इधर, जब ए हार्मोनिक था ना, तो फ्रीक्वेंसी है वी अपॉन फोर एल इन टू वन, भला ऐसे समझ लें। जब दो हार्मोनिक है ना, तो वी अपॉन फोर एल इन टू थ्री, पहले वन है फिर थ्री है, वी अपॉन फोर एल वही है। अच्छा, जरा नीचे आए, इसको देखें थर्ड के लिए। जब हम थर्ड में थे ना, तो वी अपॉन फोर एल आपका वही है इन टू फाइव है। भला वी अपॉन फोर एल, वी अपॉन फोर एल, वी अपॉन फोर एल, उसी जगह पे ना, जो नंबर है वो कौन सा है, आपका ऑड सीरीज है ना, वन थ्री फाइव सेवन नाइन एंड सो ऑन। तो जनरली आप ये कह सकते हैं, इसका मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक वुड बी वी अपॉन फोर एल, आपका जो है वही है, लेकिन मल्टीप्लाई बाय क्या, एन ऑड नंबर। और ये टू एन माइनस वन जो है ना, वो जनरल फार्मूला फॉर ऑड नंबर है, आप यूं भी कह सकते हैं, ठीक है। या इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ nth टर्म या n हार्मोनिक वुड बी इक्वल टू टू एन माइनस वन इन टू फंडामेंटल। आपको याद होना चाहिए, प्रीवियस लेक्चर जो था ना, उसमें हम बात कर रहे थे किसकी, व्हेन स्ट्रिंग वाज क्लोज्ड एट बोथ एंड, तो वहां पे ये था फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक या किसी भी जनरल की इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल थी। अभी इंटीग्रल नहीं है, फिर क्या है, इट इज एन ऑड नंबर और ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल, जो फंडामेंटल है ना उसके ऑड के बराबर है। जबकि स्ट्रिंग व्हेन क्लोज्ड एट बोथ एंड, वहां पे क्या था आपका, एन इंटीग्रल मल्टीपल। ये है एक बुनियादी फर्क है इसमें ना। अच्छा, दूसरी जो अहम चीज है वो ये कि नोड की तादाद, एंटी नोड की तादाद क्या होगी, वो आप यहां से कर सकते हैं। बड़ी सादी सी बात है भाई, अगर फर्स्ट हार्मोनिक की बात करें या फंडामेंटल की बात करें, तो एंटी नोड कितने, एक है, ये रहा। नोड कितने, नोड भी एक है। ऑर्गन पाइप में जरा देख लें, स्ट्रिंग में देख लें जरा। अच्छा, जरा दूसरे के लिए आते हैं, इधर देखें, सेकंड में, सेकंड में एंटी नोड कितने, दो है ना, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। अच्छा, नोड कितने, नोड भी दो हैं, ये रहा एक। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एन नंबर ऑफ हार्मोनिक, एन हार्मोनिक में अगर ऑर्गन पाइप में इस तरह से स्टैंडिंग वेव बने, तो नंबर ऑफ नोड की तादाद इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्मोनिक, नंबर ऑफ एंटी नोड की तादाद इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्मोनिक, कोई प्लस माइनस नहीं है, वही है। इवन सेपरेशन की कहानी जो थी ना, एग्जैक्टली वही है, टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स आर सेपरेटेड बाय हाफ लैम्डा, और वन नोड विथ इट्स सक्सेसिव एंटी नोड आर सेपरेटेड बाय लैम्डा बाय 100% वही कहानी है यार। जो नई है चीज वो ये कि फ्रीक्वेंसी फॉर nth टर्म का जो जनरल फार्मूला है ना, वो थोड़ा चेंज है, बाकी ऐसा सच कोई इस तरह से कहानी नहीं है। तो ये है तब की बात स्टैंडिंग वेव में, व्हेनेवर वी आर डीलिंग स्टैंडिंग वेव्स इन एन ऑर्गन पाइप व्हिच इज ओपन एट वन एंड। चलो ठीक है, ये होगी बात इसमें। अच्छा, अब हम कहते हैं ये बात भाई कि अगर ऑर्गन पाइप आपने दोनों साइड पे ओपन कर दिया, मतलब एक साइड पे आप एयर प्रेशर दे रहे हैं, तो वो एयर प्रेशर सामने जा रही है, फिर वहां पे क्या होता है, वहां पे ये कहानी किस तरह से होगी, अब जरा इसको हम चेक करना चाहते हैं। जरा इधर देखेंगे आप, इफ जो सेकंड हैंड एप्लीकेशन ना, वो हम ये कहना चाहते हैं इसमें कि इफ ऑर्गन पाइप इज ओपन एट बोथ एंड, अगर हमने दोनों साइड पे ओपन कर दिया तो राइट, जो ऑर्गन पाइप है वो अपने दोनों साइड पे इस तरह से ओपन किया हुआ है, पाइप इज ओपन ऐसे, ठीक है। बांसुरी होती है ना, उसमें पता है क्या होता है, आप यूं इस तरह से ऐसे बजाते हैं, सॉरी बजाना नहीं आती ना, अच्छा हम यूं इस तरह से बजाते हैं, पता है इसमें क्या होता है, वन ऑफ द साइड इज ओपन,
एक साइड ओपन है ना, अच्छा जो एयर प्रेशर जो एयर पोर्ड आप करते हैं ना, फिर यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे एक हिस्सा उसका आप कह सकते हैं क्लोज होता है। तो बांसुरी का जो एग्जांपल है जो आप इस तरह बजाते हैं ना, ये था आपका कि व्हेन इट वाज ओपन एट वन एंड। कुछ ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हैं जिसमें हम बात करते हैं व्हेन इट इज ओपन एट बोथ एंड, वहाँ पे हम किस तरह, क्योंकि देखिए ना बांसुरी का मैंने मिसाल उस ले दिया क्योंकि वन ऑफ द साइड वाज ओपन एंड जैसे आप बजाते हैं ना ऐसे, तो फिर हवा जो यहाँ पे जाती है, हवा जो ना वो रिफ्लेक्ट करके या स्टैंडिंग वेव जो है यहाँ पे बना के फिर साउंड वेव जनरेट करती हैं। बिकॉज आपने पढ़ा है कि स्टैंडिंग वेव में प्रोड्यूस ट्रेवलिंग वेव, वो कल कार्ड स्टैंडिंग वेव हैं, इन टर्न हम क्या करते हैं आवाज़ पैदा करते हैं ना इस तरह, तो एग्जैक्टली ऑर्गन पाइप भी इसी तरह के हिसाब से काम करता है। ये एक बेहतरीन मिसाल ऑर्गन पाइप का, बांसुरी जो आप कह सकते हैं ना इस तरह से। पाइप अगर ओपन होगा तो हम किस तरह देंगे, सर वो बजेगा ही नहीं, हवा जो सामने जाएगी। देखिए ऐसा नहीं है, काफ़ी ऐसे और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है अपार्ट फ्रॉम योर बांसुरी, काफ़ी सारे और भी चीज़ें। सो कैसे काम करेंगे हम, थोड़ा स्टैंडिंग वेव के हिसाब से पहले इसको देखना चाहते हैं। तो इसमें जो फंडामेंटल है ना ये क्या बनेगा, इधर देखें जो कम अज़ कम लूप बन सकते हैं इसकी हम बात करते हैं भाई। ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका फंडामेंटल ये हो सकता है। ये व्हाट डज इट सजेस्ट, ये हाफ लूप है और ये भी एक हाफ है, मतलब यहाँ पे फंडामेंटल में दो हाफ लूप आ गए, ठीक है। अच्छा जो लेंथ ऑफ पाइप है, कह दो जो लेंथ ऑफ पाइप है वो किसके बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है भाई, लेंथ कितनी है, हाफ लूप है ना लैम्डा बाय फोर, फिर यहाँ से लेकर आगे कितना है अनदर हाफ लैम्डा बाय फोर, तो लैम्डा बाय फोर प्लस लैम्डा बाय फोर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू, तो आप कह सकते हैं लैम्डा अपॉन टू ऐसे। अच्छा अगर आपने फंडामेंटल की बात करनी है तो भाई अगर यहाँ पे आप फर्स्ट हार्मोनिक नहीं सेकंड हार्मोनिक की बात करें फिर क्या बनेगा, सेकंड हार्मोनिक में क्या बनेगा यहाँ पे। अच्छा सेकंड हार्मोनिक पता है इसका कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, कैसे जरा देखें, सेकंड हार्मोनिक इसका ऐसे बनेगा, ये रहा सेकंड हार्मोनिक ऐसे, ये इसका सेकंड हार्मोनिक। अच्छा सेकंड हार्मोनिक में क्या बना, दो साइड ओपन है ना, तो यकीनन उस साइड पे लूप ओपन होगा, यहां पे भी ओपन होगा, मतलब वहां पे एंटी नोड होगा, इधर भी एंटी, जितने साइड ओपन है वहां पे एंटी नोड होगा, जो स्टैंडिंग वेव खत्म हो रही है ना वहां पे एंटी नोड पे ही हो रही है ना। अच्छा तो एक एंटी नोड ये रहा, ठीक है, दूसरा एंटी नोड ये रहा, या ये ओपन पाइप अपना ओपन लूप और वो भी ओपन लूप, आप यूं भी कह सकते हैं। अच्छा लेंथ ऑफ पाइप किसके बराबर हो गई भाई, एक है हाफ लूप, एक कंप्लीट लूप और एक हाफ लूप, तो टोटल मिला के ये कहानी कहाँ तक बन सकती है, आप इन तीनों का प्लस करें, आप इन तीनों को ऐड करें, फिर देखें आंसर क्या बनता है, एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय टू प्लस लैम्डा बाय फोर प्लस लैम्डा बाय फोर इज इक्वल टू टू इंटू लैम्डा अपॉन टू, ये बनेगा आपका, आप यूं भी कह सकते हैं। ये वो है जब आपने बात की है वेन एवर देयर एग्जिस्ट टू हार्मोनिक या सेकेंड हार्मोनिक के लिए बात करें तो। अच्छा यहां पे थर्ड हार्मोनिक क्या बनेगा, यहां पे थर्ड हार्मोनिक की कहानी कैसे होगी, थर्ड हार्मोनिक में जरा इधर दिखें आप, थर्ड हार्मोनिक की जो कहानी है ना उसमें ऐसे होगा भाई, ये कुछ इस तरह से ऐसे करके ना। अच्छा आप थर्ड हार्मोनिक क्यों लिखेंगे, तो देखें जरा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग किसके बराबर हो गई, एक हाफ लूप है, एक कंप्लीट लूप है, एक और कंप्लीट लूप है, एक हाफ लूप है, तो तकरीबन समझ ले यूं कि दो कंप्लीट हो गए, हाफ प्लस हाफ एक और कंप्लीट, तो टोटल कितने लूप हो गए, मतलब तीन हो गए ना। अच्छा साइडों पे ओपन ही रहेगा ये बात आप ध्यान में रखें, लेकिन नंबर इन टर्म्स ऑफ के भाई लेंथ किसके बराबर होगी, तो भाई हम बात करेंगे थ्री लैम्डा बाय टू ऐसे बना, थ्री लैम्डा बाय टू। अच्छा अब इसकी वेवलेंथ का क्या सीन है, इसमें वेवलेंथ का क्या सीन है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इधर देखें अब इसकी वेवलेंथ की कैलकुलेशन की अब हम बात करना चाहते हैं, यहाँ पे ज़रा देखें
अच्छा यहाँ पे वेवलेंथ निकालें, तो वेवलेंथ वुड बी इक्वल टू टू ले आए सामने, 2L बनेगा, ये है फर्स्ट हार्मोनिक की। सेकंड के लिए क्या करें, 2 ले आए सामने और तो ये बनेगा 2L अपॉन 2 सेकंड के लिए, 2 2 से फिलहाल कैंसिल नहीं करें, लेट्स हैव जनरल फार्मूला। अच्छा थर्ड के लिए देखें जरा, तो ये बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू 2L अपॉन 3, कैंसिलेशन फिलहाल हम नहीं कर रहे, बाद में देख सकते। इसका मतलब ये हुआ, इधर देखें कि फर्स्ट हार्मोनिक में क्या है 2L अपॉन 1, सेकंड में क्या है 2L अपॉन 2, थर्ड में क्या है 2L अपॉन 3। तो इसका जनरल फार्मूला जो बनेगा ना उसमें हम यहाँ पे बात करेंगे, इधर देखें इसमें हम जनरल बात करेंगे कि एन हार्मोनिक का सीन क्या है, यहां पे लिखता हूं जनरली फॉर एन हार्मोनिक। अगर आप एन हार्मोनिक की बात करें ना तो वेवलेंथ ऑफ एन हार्मोनिक वुड बी 2L अपॉन एन, ठीक है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ हार्मोनिक, क्योंकि जो तादाद है आप उसके साथ उसको डिवाइड करते हैं। तो ये है एक छोटी सी कहानी। इसमें फ्रीक्वेंसी का क्या सीन है, अब जरा इधर देखें, इधर देखें, अगर स्पीड v है तो फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, f इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, ये ना वेलोसिटी वही रखें आप इस तरह से, लैम्डा किसके बराबर है 2L है, तो इसका मतलब ये बना कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v अपॉन 2L बनी ऐसे। अच्छा सेकंड हार्मोनिक का क्या सीन है वो भी आप मालूम कर सकते हैं, F2 जो है ना उसमें हम बात करेंगे, तो जरा इधर देखें F2 इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा 2, ये बना, अच्छा V आपका वही है, लैम्डा 2 किसके बराबर है 2L अपॉन 2 के बराबर है, 2 को ले जाएं न्यूमरेटर में तो F2 आपका बनेगा 2 V अपॉन 2L, या F2 इज इक्वल टू क्या बना 2 इंटू एफ वन बना। अच्छा इसी तरह से थर्ड हार्मोनिक की बात कर सकते हैं, यहां पे इधर देखें थर्ड हार्मोनिक में यहां पे लिख सकता हूं F3 थ्री इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा 3, वी वही है, लैम्डा 3 की वैल्यू पुट करें तो F3 थ्री इज इक्वल टू 3 आएगा न्यूमरेटर में, वी अपॉन 12 आपका वही थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी का आपको पता चल गया। अच्छा इसका मतलब यूं बना कि फर्स्ट हार्मोनिक सेकेंड हार्मोनिक या थर्ड हार्मोनिक उसकी फ्रीक्वेंसी आप यूं इस तरह से मालूम कर सकते हैं। लिसन के फंडामेंटल में सेकेंड में थर्ड में तो फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला ये बना, एन में क्या बनेगा अगर हम इस पूरी सीरीज के मुताबिक आए तो देखें भाई अगर फंडामेंटल है ना तो वी अपॉन 2L इंटू 1, सेकेंड हार्मोनिक v अपॉन 2L इंटू 2, थर्ड में क्या है v अपॉन 2L इंटू 3 है, भला फिर n में क्या होगा, हम कह सकते हैं v अपॉन 2L को आप n के साथ मल्टीप्लाई करें, ओके, या n इंटू एफ वन, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक वुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल। अच्छा ये फार्मूला वही बना जो आपने स्ट्रिंग के केस में किया था, व्हेन स्ट्रिंग वाज क्लोज्ड एट बोथ एंड, याद करो जो प्रीवियस लेक्चर था ना उसमें 100% फार्मूला आपके वही बने, मतलब व्हेन ऑर्गन पाइप इज ओपन एट बोथ एंड तो जो जनरल एक्सप्रेशंस ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है ना वो वही होती है जो कि एक स्ट्रिंग आपने दोनों हिस्सों पर क्लोज किया हुआ है। तो ये है एक छोटी सी कहानी जो आपने ऑर्गन पाइप के हिसाब से की। अच्छा when pipe was open at both end, तो यहाँ पे फंडामेंटल में आपके पास ये फ्रीक्वेंसी थी या फंडामेंटल में वेव्स ऐसी थी, रट्टा नहीं मारेंगे फंडामेंटल मतलब वन नो, मतलब पहला जो बनेगा वो क्या, शुरुआत कहाँ से होगी, तो ओपन पाइप में मतलब when open at both end में जो शुरुआत बनेगी स्टैंडिंग वेव की या नंबर ऑफ हार्मोनिक की ना उसमें ऐसे होता है, फिर सेकंड में ऐसे होता है, थर्ड में ऐसे होता है, तो यूं आप कह सकते हैं दे प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव एंड इन टर्न ये स्टैंडिंग वेव आगे चल के म्यूजिक बनाते हैं, मतलब साउंड वेव इस तरह से बनाते हैं। सो दैट इज द सिंपल स्टोरी ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग। अच्छा यहाँ पे नोड की तादाद कितनी होगी, इधर देखें
फंडामेंटल में मतलब फर्स्ट हार्मोनिक है तो नोड कितने हैं? एक है, नोड एक है। अच्छा, सेकंड में नोड कितने हैं? दो हैं। थर्ड में नोड कितने हैं? तीन हैं। इसका मतलब ये बना कि नोड की तादाद कितनी होगी एन हार्मोनिक के लिए? उतनी ही होगी जितने हार्मोनिक होंगे। अच्छा, एक और बात एंटी नोड के हिसाब से, जरा इधर देखें, एंटी नोड एक ये है और एंटी नोड इधर भी है ना, राइट? ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, ये भी है। मतलब एक हार्मोनिक है तो एंटी नोड दो है, दो हार्मोनिक तो एंटी नोड तीन, तीन हार्मोनिक एंटी नोड, जरा काउंट करें, 1, 2, 3 एंड 4, देयर वुड बी 4। मतलब एंटी नोड की तादाद हार्मोनिक से एक प्लस है। तो यूं आप कह सकते हैं, इधर देखें, एंटी नोड की तादाद हार्मोनिक प्लस वन होती है, एन प्लस वन हम कहते हैं इसको जनरली। ये है फर्क, वरना स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग, जो व्हेन स्ट्रिंग वाज क्लोज्ड एट बोथ एंड, वहां पे ये कहानी ऐसे नहीं थी ना, वहां पे एक पता है क्या था, ये उल्टा हुई थी ना, मतलब वहां पे ये कहानी थी कि जितने हार्मोनिक थे उतने एंटी नोड होंगे, पर नोड हमेशा प्लस वन होता है, जो प्रीवियस लेक्चर था। लेकिन आज क्या पता चला, आज ये पता चला है कि इफ पाइप इज ओपन एट बोथ एंड तो जो नोड की तादाद है वो कितनी होगी? जितने हार्मोनिक हैं, पर एंटी नोड कितने होंगे? एक ज्यादा होगा। तो ये है छोटी सी कहानी, स्टैंडिंग वेव इन एन ऑर्गन पाइप। लास्ट टाइम स्ट्रिंग की बात की, आज हमने ऑर्गन पाइप की बात की, ठीक है? सो स्टैंडिंग वेव में ये एक दो पोर्शन या पॉसिबिलिटीज थे या एप्लीकेशन थे हमने डिस्कस किए। हमारा जो कमिंग लेक्चर होगा वो भी स्टैंडिंग वेव का ही होगा नेक्स्ट पार्ट, और हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग, मतलब जिसमें हम सोनोमीटर की भी बात करेंगे, मतलब कौन से पैरामीटर हैं जिस पे वेलोसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव डिपेंड करती है। पर ऑर्गन पाइप के हिसाब से आज का जो लेक्चर है ना वो यहाँ तक हुआ। सीरीज है जो स्टैंडिंग में भी इंशाल्लाह ये जो ना ये सारी हम कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको ये सारी की सारी अपडेट इस तरह से मिलती रहे। थैंक यू।